आज मैं आपको बताने जा रही हूँ डिजाइनर बैक नेक, जिसको आप ब्लाउज में भी यूज कर सकते हैं और कुर्ती के बैक नेक में भी यूज कर सकते हैं। प्लीज मेरे ट्यूटोरियल्स को पूरा देखें, उसमें मैं क्या क्या बताती हूँ आपको ध्यान से देखें उसको, और प्लीज मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। ये फ्यूजिंग पेपर, पेस्टिंग पेपर है, ठीक है। इसको आप बढ़ा लेंगे क्योंकि हमारा जो डिजाइनर नेक है वो थोड़ा, जैसे हम ब्रॉड 6 इंच रखते हैं, लेकिन मुझे इसमें और 2 इंच प्लस करना है, तो पहले से ही बड़ा पेस्टिंग पेपर चौड़ा लें, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 इंच का, सबसे पहले हम यहाँ पे 3 इंच एक्स्ट्रा वो ब्रॉड लेंगे 3 इंच का, और हमारा नेक की लेंथ क्या है 8 इंच। बैक नेक डीप ही होता है ज्यादातर, ठीक है। यहाँ से दोबारा से इसको मिला देंगे। अब हम यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। और जो हमारा मेन नेक यहाँ से है, अब हम यहाँ से इसको कुछ 11 इंच पे लेंगे, ठीक है। 11 इंच पे मिला दिया हमने इसको। अब हम यहाँ से इसको अपना टर्न करेंगे। एक हमने यहाँ से, हमारे गली की लेंथ यहाँ से है, तो हमने इसको यहाँ से हल्का सा राउंड करना है, ठीक है। और फिर यहाँ से हमने 2-2 इंच के मार्जिन में पूरा राउंड करते आना है, 2-2 इंच के। अब हमने इसको पूरा यहाँ से राउंड कर दिया है, नीचे से हमने इसको 3.5 इंच डाउन किया है, और यहाँ तक हमने 2-2 इंच डाउन करते हुए यहाँ पे हमने 3 इंच कर दिया है, और आते हुए हमने यहाँ पे 3.5 इंच कर दिया है। अब हम यहाँ से इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। यहाँ से ये इतना कट हो गया है, ये नहीं है, सिर्फ ये इधर तक है, इधर तक इसको हमने यहाँ से टर्न कर दिया। अब हम इसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा काटेंगे इसको, ठीक है। ये 3 पैच निकलेंगे, एक पैच ये दूसरा इसके साथ का ही तीसरा, ठीक। ये हमारा आउटर साइड है, ठीक है, जिसको हम फैब्रिक पे लगाएंगे। ये हमारे 2 पैच हैं, ये इस तरह से है, ये बीच का है, और ये हमारे साइडों के हैं, और ये हमारा आउटर साइड है। मैं इसको आउटर साइड को सबसे पहले हम फैब्रिक पे लगाएंगे, ठीक है। जो हमारे ये 2 पैच निकले हैं, 1, 2, 3, और ये जो हमारे आउटर साइड का पैच है, इसको हम टर्न करेंगे क्योंकि हमारी शेप है, टर्न करके इसको सेंटर में लगाएंगे। और जो हमारे ये पैच निकले हैं, इसे हम अपने फैब्रिक पे लगाएंगे। एक प्रेसिंग और लगाएंगे इसके ऊपर, पूरे डबल प्रेसिंग पेस्टिंग चिपका के इससे हमने एक पेस्टिंग और लगा दी है, फ्यूजिंग पेपर लगा दी है कि वो टाइट थोड़ा सा थिक हो जाए। जो हमारे ये 3 पैच थे, 1, 2, 3, तीनों को हमने पेस्टिंग लगा ली। अब हम इसके नीचे कपड़ा लगाएंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। जो कपड़ा नीचे होता है ये लगाएंगे, इन तीनों के नीचे ही ये लगाएंगे, फिर मैं आगे बताती हूँ। इसकी सेंटर की सिलाई लगा दी, हम इसकी आउटर साइड की पूरी सिलाई यहाँ से लेके यहाँ तक गोल घुमा के लगाएंगे। अब हमने इस पे नॉचेस लगा दी है, इसे हम टर्न करेंगे, टर्न करके इसको हम ऊपर की सिलाई मार देंगे, ठीक है। ये भी हमारे पेस्ट, जो हमने ये हमारा जो पैच है ये, इसकी हमने पूरी आउटलाइन पे हमने सिलाई करनी है, तीनों पे इसके पूरे पैचेस पे हमने आउटलाइन करनी है सिलाई करके। ये देखें, इसको चारों तरफ घुमा देना है, आउटलाइन कर ली है इसकी,
जो इसकी पेस्टिंग थी पूरी पैच पे आउटलाइन करनी है, ठीक है। सिलाई से इसका मतलब ये है कि आपने आउटलाइन करी है कि जब आप पैच को बिल्कुल गले के साथ लगाओगे तो इसका मतलब है कि ये इससे इस लाइन से यू मिल जाएगा और ये बिल्कुल फिट बैठेगा इसे। इसका मतलब ये होता है कि आपकी सिलाइयों से सिलाइयां मिल जाएंगी, ऊपर आ जाएंगी और ये गला बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। अब हम इसके नीचे एक कपड़ा लगाएंगे, जिस कलर कपड़ा लगाना है आप लगाएं। पैच को इस प्लेन फैब्रिक पे रखेंगे इस तरीके से, जितना ये हो उतना ही कपड़ा नीचे होना चाहिए, उससे ज्यादा ही थोड़ा फालतू होना चाहिए। अब इसे इसकी शेप है ऊपर वाली, उस ऊपर वाली शेप को सिर्फ ऊपर वाली शेप को मिलाएंगे। इसको कट करने के बाद जिसमें अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करने के बाद इसको इस तरह से नॉचेस लगा के फोल्ड कर देंगे। अब हमने इस पैच को फोल्ड कर दिया है। जो हमने इसकी आउटलाइन की थी, ये वाली ये आउटलाइन की थी, इसकी दो तीन जगह से फालतू ही आप इसको स्टिच करें, दो तीन पॉइंट से ज्यादा ही इसको स्टिच करें। पहले आप इधर टॉप की टॉप स्टिच कर दें इधर। अब इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो होगा वो कट कर देंगे सारा। अब वैसे ही जो हमारा ये दूसरा पैच है जो इसकी राउंड वाली है, ये इधर हम सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे जो ये इसका टॉप का है, इधर लगाएंगे। कपड़ा फालतू रखिए इसके नीचे, ठीक है। इसकी शेप है, इसकी शेप तक ले आए। जो नीचे इसकी ये है, नोक तक ले आए। हमने यहां से इसको यहां से लेके इसको यहां तक नीचे तक स्टिच कर दिया और इसकी सिलाई को हमने बाहर निकाल दिया। अब हम कैंची से इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा में ही काटेंगे और इसको बाहर निकाल देंगे ऐसे ही, ठीक है। नॉचेस लगा दें इसको अच्छे से, कपड़ा कम ही ले लें, ज्यादा लिए है ये अच्छे से फोल्ड नहीं होगा, बिल्कुल पतला कपड़ा लें। ठीक है, अब इसको ऐसे फोल्ड कर लें। हमने इसको फोल्ड करने के बाद ये इस तरह से नजर आ गया है, ठीक है। और आप दूसरा भी इसका यूं ही तैयार करें जो दूसरे वाला है, कपड़े पे रख के इसकी इसी शेप को जो राउंड वाली कर्व वाली शेप है ऐसे ही सेम निकालें। फोल्ड कर लिया है, ठीक है, इसको अंदर की साइड कर लिया एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के नीचे। अब हमने इसके ऊपर टॉप स्टिच करनी है इस तरीके से। अब इसे हम स्टिच कर रहे हैं, जो
जो हमने फोल्ड कर इसकी टॉप स्टिच करेंगे पूरी, और जहां पर हमने ये सिलाई लगाई थी अपनी अंदर की साइड, जो हमारी ये सिलाई नजर आ रही है आपको, ये वाली सिलाई है जो ये वाली ग्रीन कलर की, इससे दो पॉइंट आगे लगाएं सिलाई। दिखाती हूं आपको, इस सिलाई से आगे सिलाई लगाएं, सिर्फ इसको जो ये खुला हुआ है कपड़ा, इसको बंद करने के लिए इस सिलाई से जो हमने अंदर लगाई थी अपने पैच पे, उससे दो पॉइंट आगे लगाएं। अब हमने हमारा जो ये पैच था, ये वाला पैच, ठीक है, अब देखो हमने किस तरह से लगाना है इसको। जो हमारी ये है, ये सिलाई है, इसको हमने इधर लगाना है, ठीक है, इस सिलाई के ऊपर इस शेप पे ऐसे, ठीक है। एक ये हो गया हमारा, और दूसरा ऐसे, हमने इस सिलाई पे जो हमारी ये सिलाई है अंदर पैच की, उसकी सिलाई पे हमें इसको जो हमारी ये वाली है इस पे यू लगाना है, जैसे कि हमें इसको ऐसे लगाना है इस चोच से, जो ये नोक है, जैसे हम पैच हमेशा लगाते हैं। मैं सिलाइयां इसलिए लगाती हूँ कि आपको आसानी रहे सिलाइयों से सिलाइयां मिलाने के लिए। अब हमने इसको स्टिच करना है इधर ही, ठीक है, ये हमारा एक पैच लग गया, और वैसे ही हम दूसरा पैच लगाएंगे अपना। जो ये हमारी अंदर सिलाई नजर आ रही है, ये देखिए बिल्कुल नोक वाली सिलाई, इसको इसी नोक से मिला देना है, इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है सेम वैसे ही जैसे आपने पहले वाले पैच पे लगाई है, नोक से नोक मिला के। पैच नीचे का तैयार हो गया है, तीनों पैच एक हो गए हैं। अब हमने जो ये सिलाई इधर लगाई थी, हमने अंदर वाली जो सिलाई है नजर आ रही है आपको, हमने इस सिलाई के ऊपर ऐसे रखनी है, ठीक है, और इसी शेप से जो हमारी अंदर की साइड है ये सिलाई, इसी शेप से चलते जाना है। ये देखें, हम यहां से शुरू करते हैं और बिल्कुल सही आएगी। अगर पैच में सिलाइयां लगी हो तो ये सिलाइयां बिल्कुल ठीक चलती हैं। अब ये इसके ऊपर सिलाई के ऊपर सिलाई हम चलाते रहेंगे। सिलाई हमारे पैच पे लगी थी, आप इस पे राउंड रखें ऐसे, और इसके ऊपर यूं ही सीधी सिलाई चला दें। ये देखें, ये सिलाई जो नजर आ रही है आपको गोल्डन से कलर की, इसके ऊपर यूं रखते जाएं और ये बिल्कुल राउंड सिलाई, जो ये हमारे पैच पे लगे सिलाई। अब ये प्रॉपरली उसी पैच पे चलती जाएगी। ऐसे ही ये यहां तक राउंड बिल्कुल आ जाएगी। हमारा नेक तैयार हो चुका है पैच वर्क का। अब हमने इसके ऊपर प्लीट्स लगानी है। हमने 2 इंच चौड़ी प्लीट्स काटी है, 2 इंच चौड़ी और 85 इंच लंबी हमने ये प्लीट्स काटी। इसको अब हमने फोल्ड करना है। फोल्ड इस तरह से करना है ऐसे, ठीक है, इसको फोल्ड करें, और फोल्ड में सिर्फ एक पैर की ही सिलाई लगाएं। पट्टी को सीधा करना है, जो हमने पट्टी करी थी 2 इंच की चौड़ी। अब हमने यहां से पक्का कर लेना है इधर से कोने से, ठीक है। अब हमने इसके सुई को डालना है इसके अंदर,
और ऐसे ही इसको हमने से हम डोरी निकालते हैं, सेम प्रोसीजर वही है। इसको हमने अपनी इस पट्टी को फोल्ड कर दिया है। इसको हम जो ये जो ये सिलाई यूं होती है ना, इस सिलाई को हम बीच में लाएंगे, जो हमारी स्टिच की सिलाई है इसको बीच में लाएंगे और उसके ऊपर हम प्रेस करेंगे, बिल्कुल ठीक कर दिया है। ठीक है, और जो सिलाई थी वो बीच में आ गई, हमने जो स्टिच की थी, अब हमने इसको बनाना है। इसकी अपने हमने फ्रिल निकालनी है। प्लीज हम यहाँ पे इस पे आप डायरेक्ट बनाते जाएं या फिर पहले बना लें और फिर स्टिच करें। मैं यहाँ पे डायरेक्ट बना रही हूँ। दोनों एक फिंगर से उठाना है इसको, इस तरह उठाना है इसको और यू लगाना है। वैसे सेम इसको ऐसे उठाना है। मैंने आपको इसके ऊपर ऊपर भी बना के दिखा दिया, मैं आपको अलग से बना के दिखाऊंगी कि इसके अलग से भी बना सकते हैं। ठीक है, प्लीट्स पहले आप बना ले। बखिए से आप इसको सिलाई करें, ऐसा बनाते जाएं। इसको यूं उठाना है, ठीक है, और यूं रखना है। मैंने प्लीट्स पहले भी अपनी वीडियो में बताई हुई है किस तरह से बनानी है। इस तरह बस बनाते जाएं। रेडी कर ली है फ्रिल, हम इसमें लगा रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे इसे राउंड में है, इसको राउंड कवर कर दें जैसे ये है। ऐसे ही राउंड पूरा ऊपर तक ले जाएं, है जिसको आप कुर्ती और ब्लाउज में यूज कर सकते हैं बैक नेक के लिए। प्लीज मेरे वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करना ना भूलें और मेरे ट्यूटोरियल्स को देखने के लिए थैंक यू।